इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। क्या वजह है? शायद शायद वो मुझसे प्यार करता हो। तुम्हें पता है हमारा ये रिश्ता दोबारा जुड़ा है, इससे सबसे ज्यादा खुश कौन है? किसे? साक्षी। ये बारिश और ये बारिश की बूंदे, सो अमेजिंग ना राहुल। बारिश की बूंदे तो आज मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि तुम मेरे साथ, तुम्हारा हाथ मेरे साथ है। वरना तनाई में बारिश की बूंदे तो बहुत चुपती सी है मुझे। इतनी याद आती है मेरी। हाँ, प्यार तुमसे किया है तो याद भी तुम्हारी आएगी ना। खैर जाने दो, आज तो हम दोनों साथ है ना। पता है राहुल, तुम्हें याद है कि यही वो जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे और बारिश भी इतनी ही जोरों से हो रही थी। हाँ याद, कैसे भूल सकता हूँ। मुझे तो इस मौसम से इस कदर प्यार हो गया कि जब भी बादल गिरते हैं, बरसात होती है, तो मुझे वो दिन याद आ जाता है और साथ में याद आ जाती है तुम्हारी याद। तुम्हें याद है राहुल, उस दिन अचानक से मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैं गाड़ी से उतर गई और रास्ते पे चलने लगी और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। और रास्ता इतना लंबा था कि मैं तो चल चल के एकदम थक गई थी। और फिर पता नहीं तुम कहां से आ गए। मैम क्या हुआ आपको? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ आपको? अरे चलिए चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। दूसरे दिन जब मेरी नींद खुली तो मैं गेस्ट हाउस के कमरे में थी।
आपको बेहोशी की हालत में इस गेस्ट हाउस में लेके आया। आपकी तबीयत कैसी है? कल रात को आप इतना भीगी थी कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। पर मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके कपड़े भी एक्चुअली में बहुत भीगे थे, तो गेस्ट हाउस के स्टाफ की एक लड़की को बुलाना पड़ा, फिर उसने चेंज किया। आप मेरा यकीन मानिए, मैंने आपको हाथ तक नहीं लगाया। और बाकी आपके कपड़े प्रेस हो गए, मैं भिजवाता हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाएगा, फिर निकलना भी है। कुछ लोग सचमुच बहुत अच्छे होते हैं। क्या सोचने लगी तो? हमारी पहली मुलाकात के बारे। अच्छा एक बात बता। हाँ पूछो। तुम सच्ची में इतने शरीफ हो या फिर शरीफ होने का नाटक करते हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे 50-50 लगता है। तो क्या इरादा, घर चलें या? घर इतना जल्दी, अभी अभी तो हम मिले हैं। चलो ना कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले। तुम ही बताओ कहाँ चलना है फिर। ओके, मुझे ना गांव देखने का बहुत मन कर रहा है, चलो कहीं किसी गांव चलें। आई विश मैडम, चलें। मुझे आपसे कुछ कहना है दीदी। किसी को नहीं पता कि राहुल ने आपसे शादी करने से इनकार क्यों किया, लेकिन मुझे पता है। शायद शायद वो मुझसे प्यार करता हो, शायद वो मुझसे प्यार करता हो। एसडीएम साहब को फोन लगाइए, मुझे तुरंत उनसे बात करनी है। जी मैडम। गुड मॉर्निंग सर। सर मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। यस सर। गुड मॉर्निंग। मैंने सुना है कि आपके तहसील के कुछ गांव में बाढ़ जैसी परिस्थिति आ गई है। जी हाँ। नहीं मैं चाहती हूँ कि आप खुद वहाँ जाए, आपके गांव के दौरे कीजिए। अगर गांव के लोग परेशान हैं तो आप देखिए उनको सहायता पहुँचाने की कोशिश कीजिए। हाँ ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए और मुझे इसकी रिपोर्ट भी चाहिए। जी मुझे लगता है कि मौसम और भी खराब होगा। मैंने सुना है कि लोगों के घरों में पानी तक भर चुका है, और अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो गांव छोड़ने की नौबत आ जाएगी। लेकिन मैडम ये तो प्राकृतिक विपदा है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ लेकिन हमें प्राकृतिक विपदा से लड़ना पड़ेगा। हम इस तरह से हाथ पे हाथ धरकर बैठ नहीं सकते। आप देखिए जहां जहां बाढ़ में लोग फंसे हैं उनको उसी वक्त मदद पहुंच जानी चाहिए, और इस मामले में मैं किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं बर्दाश्त करूंगी। समझ गए आप? मैडम इसके लिए आपको सभी गांव वालों से एक बार मिलना पड़ेगा। ठीक है, कल मैं गांव का दौरा करूंगी। ठीक है, मैं गांव दौरे का अरेंजमेंट करता हूँ।
अर्जुन को बड़े प्यार से खाना खिलाया जा रहा है। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। भाई शिवराम जी के घर से आ रहा हूँ। शिवराम जी के रिश्तेदार हैं जज साहब शहर में, उनकी बेटी की शादी है और वो चाहते हैं कि हम लोग भी शादी में शरीक हों। तो जल्दी जल्दी तैयारी करो, हमें शहर जाना है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ अर्जुन है और इसे लेकर हम नहीं जा सकते। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने शिवराम जी को अर्जुन के बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या आपने शिवराम जी को बता दिया कि अर्जुन हमें नदी के किनारे मिला था और उसे गोली लगी थी? अरे अंजना तुम भी अजीब बात कर रही हो, मैं शिवराम जी को सारी सच्चाई क्यों बताने लगा? मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया है कि अर्जुन हमारा दूर का रिश्तेदार है और सर में चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। हाँ, और ये सच्चाई किसी को बताना भी नहीं, इसे तो अपना नाम तक याद नहीं है। वैसे भी हमने इसे अर्जुन नाम दिया है। अगर हम इसके बारे में कुछ पता लगाना चाहते तो क्या क्या नहीं करते? अखबार में फोटो दे देते तो अपने आप पता चल जाता कि ये कौन है। लेकिन अंजना उसमें खतरा था, जब ही हमें मिला था तो इसे गोली लगी हुई थी, जख्मी हालत में था। अखबार में फोटो दे देते तो अपने आप पता चल जाता कि ये कौन है। भाई जब ही हमें मिला था तो इसे गोली लगी हुई थी, जख्मी हालत में था। जरूर इसके दुश्मनों ने इसे गोली मारी होगी। और अगर हम अखबार में इसकी तस्वीर छपवाते तो इसके दुश्मनों को पता चल जाता कि ये कहाँ है, फिर बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। अब जाने भी दीजिए, वैसे भी हम इसे अपना बेटा मानते हैं। अब अगर कुछ पता चल जाता है तो ठीक है, वरना तो हम इसे अपना बेटा मानते ही हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा अंजना। भाई भगवान ने हमें एक बेटे की कमी दी थी, शायद अर्जुन को भेजकर उन्होंने ये कमी पूरी की है। अब अर्जुन ही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। वो जिनकी शादी है ना कलेक्टर साहिबा, वो हमारे गांव के दौरे पर आ रही हैं। क्या कलेक्टर साहिबा? देखो ना अंजना, हम लोग कितना चाहते थे कि कलेक्टर साहब आके हमारे गांव की दशा को देखे और हमारी समस्याओं को समझे। आज तक तो कोई आया नहीं, अब ये कलेक्टर साहिबा आ रही है। चलो अच्छा है, कुछ तो इस गाँव का भला होगा। अर्जुन तुम क्या देख रहे हो, चलो चलो पूरा खाना खत्म करो। अरे खाना पूरा खत्म करो भाई, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ बेटा, मुझे तो ये लगता है कि ये जरूर किसी अच्छे घर का लड़का है। सो तो है, पता नहीं इसके घर में और कौन कौन होगा। दिव्या बोलो। दीदी वो माँ कह रही थी कि मैं समझती हूँ दिव्या, दरअसल इस मामले में मैं खुद तुमसे बात करना चाह रही थी। अच्छा एक बात सोच समझ कर मुझे बताना, क्या राहुल तुमसे प्यार करता है? दीदी राहुल से मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की, और सच कहूँ तो
वक्त ने कभी मौका ही नहीं दिया, पर मैंने तो उसे चाहा है। दिव्या, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये क्या कह रही हो दीदी? मैं ठीक कह रही हूँ दिव्या। अब देखो ना, तुमने ये समझ लिया कि राहुल ने मुझसे शादी करने के लिए इनकार इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है दिव्या। राहुल जब मुझसे मिला तो उसने ये नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। दिव्या, तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? हर बात कहने का एक वक्त होता है दीदी। आज तक मुझे भी तो वक्त नहीं मिला ना कि मैं सबके सामने ये कह सकूं। तो फिर राहुल ये बात अचानक कैसे कह सकता है? देखो दिव्या, तुम्हें धोखा हुआ है। किसी के बारे में ऐसा कुछ भी सोचने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कितनी और कैसी जगह है। दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं खुद राहुल से बात करूंगी। नहीं दिव्या, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। देखो, तुम उसके सामने अपने प्यार का इजहार करोगी तो अपनी इज्जत कम कर लोगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कुछ भी करो। दिव्या, तुम्हें राहुल के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सच्चाई मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। कैसी सच्चाई दीदी? क्या देखा है आपने? मैंने राहुल को किसी और के साथ देखा है दिव्या। और अफसोस की बात तो ये है कि दोनों के दोनों तुम्हारे बहुत करीब हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताई। दिव्या, तुम अपनी चाहत अपने दिल में ही रखोगी और बस ये समझ लो कि ये किस्सा यहीं शुरू हुआ था और यहीं खत्म हो गया। मैं तुम्हें आकर सारी सच्चाई बताती हूँ, ठीक है? दिव्या, तुम्हें राहुल के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सच्चाई मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मैंने राहुल को किसी और के साथ देखा है दिव्या। क्या हो रहा है राहुल? अरे तुम क्यों भीगने आ गए यहाँ पे? अरे तुम भी तो भीग रहे हो ना? इसका क्या मतलब होता है? तुम्हारी तबीयत खराब है और खराब हो जाएगी। तुम्हारी भी तो तबीयत खराब हो सकती है। ये कोई बात नहीं होती यार। राहुल, हमें घर जल्दी पहुंचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ गाड़ी खराब हो गई है, ऊपर से वही बरसात, वही मौसम है। लगता है हमें उसे गेस्ट हाउस में जाके रहना पड़ेगा और फिर सुबह आके मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवा दो, ठीक है? चलो चलो। हो रही है, मौसम खराब है। आप चलिए सो जाइए, वो आ जाएगी, किसी दोस्त के घर पे होगी। नहीं काजल, अगर वो अपने दोस्त के घर होती है तो मुझे फोन जरूर करती। रात के 11 बज चुके हैं और आपकी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी है। क्या साक्षी अभी तक घर नहीं आई? हाँ, और दीजिए छूट अपने बच्चों को। मेरी तो बात कोई सुनता ही नहीं। ऐसा लगता है कि मेरी बातों का कोई अहमियत ही नहीं है। तुम क्यों हर बात पर हंगामा खड़ा कर देती हो?
और नहीं तो क्या, वरना ऐसा कहीं होता है कि मोबाइल भी बंद रखो। अरे फोन करके बता तो सकते थे कि वो है कहाँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई कुछ समझे तब ना। एक दिन अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना, तब तुम्हारी समझ में आएगा। तुम इतना परेशान मत हो, रात इतनी ज्यादा नहीं हुई है और बाहर बारिश हो रही है, फंस गई होगी कहीं पे, आ जाएगी। खाम खा शोर मचा के रखा है, बिला बजे। देखा काजल तुमने, देखा, यहाँ मेरी कोई अहमियत नहीं है।